स्टूडेंट्स, आज जो है 10th क्लास में नेक्स्ट टॉपिक होगा अध्यावरणी तंत्र। अध्यावरणी तंत्र इंटरगुमेंट सिस्टम यानी जितने भी सिस्टम मैंने उसमें बताए थे, 11 सिस्टम आपको बताया था कि मनुष्य के शरीर में 11 प्रकार के तंत्र होते हैं। तो उसमें से पहला तंत्र है अध्यावरणी तंत्र, जो स्किन से संबंधित है, यानी त्वचा, जो हमारी त्वचा होती है इससे संबंधित होता है। तो स्किन क्या है? ये शरीर का सबसे लंबा अंग है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो शरीर का सबसे लंबा अंग कौन सा है? स्किन। कैसे कि आप देखिए, हमारी बॉडी में हर एक पार्ट्स में कहीं ना कहीं ज्वाइंट्स होंगे या वो अंग छोटे होंगे, लेकिन हमारी स्किन क्या है, सर से लेकर के पैर तक उसमें कोई ज्वाइंट नहीं है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी एनिमल्स को मारते हैं या उसको उसकी स्किन को निकालते हैं, जैसे बकरे को हलाल करते हैं, तो बकरे की जो स्किन है वो एक तरफ से निकाल करके और पूरी बॉडी से हटा करके टांग देते हैं, तो उसमें कहीं कोई ज्वाइंट या कट नहीं होता है। तो शरीर का सबसे लंबा अंग कौन सा है? स्किन, आपका त्वचा। त्वचा क्या है? देह भित्ति का बाह्य आवरण है। देह भित्ति मतलब हमारे जो शरीर है, बाहर का जो आवरण है वही बनाता है, इसको बोलते हैं देह भित्ति, यानी बॉडी वॉल। ऐसे पौधों में भी होती है, पौधों में भी स्किन को हम क्या बोलते हैं, जो आप लोग कहते हैं आम भाषा में पौधों की छाल, जो बाहर सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है, क्यूटिकल होती है, वो पौधों में भी उसी को हम स्किन के रूप में जानते हैं। पौधों में जो छाल होती है जिसको बाह कहते हैं। ये एडिपोस ऊतक, एडिपोस ऊतक द्वारा पेशियों से संलग्न होता है। एडिपोस एक प्रकार का फैटी ऊतक होता है, यानी इसमें फैट यानी वसा होती है। हमारे इस त्वचा के निचले स्तर में एडिपोस ऊतक होता है, जो फैटी ऊतक का होता है और उसमें फैट होती है यानी वसा की मात्रा पाई जाती है, जिससे हमारी स्किन चिकनी होती है। बच्चों, आपने देखा होगा कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की स्किन स्मूथ और चिकनी होती है, क्योंकि उनमें जो एडिपोस टिश्यू है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला है, अब देखिए, ये तो स्किन के बारे में क्या था मैंने बताया कि स्किन के दो तीन पॉइंट मैंने बताया। अब स्किन यहाँ पर देखिए लिखा बच्चों, ये स्किन, स्किन के पार्ट्स, हमारी स्किन दो भाग में डिवाइड है, एपिडर्मिस, एक यहाँ पर है एपिडर्मिस जिसको बाह्य चरण कहते हैं, अधिचरण एपिडर्मिस, और दूसरी है चरण यानी डर्मिस। एपिडर्मिस और डर्मिस ऐसे पौधों में होता है। अब एपिडर्मिस जो बाह्य आवरण है, बाहर की जो स्किन है, इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। अब एपिडर्मिस में पांच यहाँ पर भाग हैं। एपिडर्मिस के पांच स्तर हैं, कीड़ स्तर, स्वच्छ स्तर, कणी स्तर, फूल स्तर और अंकुर स्तर। और इसमें देखिए, एक ये वाली है आपकी स्वच्छ स्तर, स्वच्छ स्तर में तीन से पांच स्तर और होते हैं अंदर। तो इस प्रकार से पांच ये और तीन और लगभग, तो आठ लेयर यानी आठ परतों की एपिडर्मिस लगभग होती है। तो किण स्तर जो पहला स्तर है, सबसे बाहर का स्तर होता है, इसमें क्या होता है, केराटिन और अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन की का कार्य करती है ये वाली किण स्तर। इसमें केराटिन, केराटिन एक प्रोटीन होती है जो केराटिनाइजेशन क्रिया करती है। जैसे आपने देखा होगा सांप, सांप क्या है, केचू छोड़ता है, ठीक है, और केचुआ में भी होता है और एस्केरिस में होता है, और हम लोगों की स्किन भी टाइम टू टाइम देखिए हाथ हथेली की स्किन निकलती रहती है, तो इसको बोलते हैं केराटिनाइजेशन। केराटिन जो प्रोटीन्स होती है वो डैमेज होने के बाद ये स्किन निकलती रहती है, इसको बोलते हैं केराटिनाइजेशन। और ये स्तर क्या करता है, किड स्तर, अल्ट्रावायलेट यूवी रेज, हमने लिखा यूवी रेज मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमको बचाती है। अगला है स्वच्छ स्तर, स्वच्छ स्तर इसको बोलते हैं स्ट्रेटम ल्यूसिडम, ये कॉर्नियम था, ये ल्यूसिडम है, इसमें तीन से पांच लेयर होती है, तीन से पांच स्तर होते हैं, और इसमें केराटिन, केराटोहाइलिन, केराटोहाइलिन एक प्रकार का पारदर्शी पदार्थ होता है, प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है, जिससे हमारी स्किन चमकीली और पारदर्शी लगती है और बहुत स्मूथ लगती है, चिकनी लगती है। अगला है कण स्तर, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, ग्रेनुलोसम में छोटे छोटे कण होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट टू ड्राई, हमारी त्वचा को सूखने से बचाती है, ये वाली जो लेयर है कण स्तर स्किन को सूखने से बचाती है।
कि ड्राई स्किन हो जाए। देखिए ठंडियों में क्या होता है, मोस्टली आप लोग कोई ना कोई क्रीम लगाते हैं, ठंडियों में स्किन ड्राई हो जाती है और गर्मियों में आयली हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी की फैट गर्मियों में जब पिघलती है तो आयली हो जाती है, इसमें से तेल निकलता है, हमारी स्किन से तेल निकलता है, इसमें से सीबेसियस ग्लैंड होती हैं तो उसमें से तेलीय पदार्थ निकलता है फैट, लेकिन ठंडियों में वो स्किन ड्राई हो जाती है। तो ये कण स्तर क्या करता है, स्किन को सूखने से बचाता है। अगला है शूल स्तर, शूल स्पाइनोसम ये होता है, इसमें छोटे छोटे शूल यानी कांटे जैसी संरचनाएं होती हैं और ये फ्लैट और ब्रांच यानी चपटे होते हैं और शाखित होती हैं। अंकुर स्तर अगला है, अंकुर स्तर इसमें भी छोटे छोटे से अंकुरण जैसे होंगे, इसको बोलते हैं मेलपिगी लेयर्स यानी स्ट्रेटम मेलपिगी। इसमें क्या होता है, मेलानिन होता है बच्चों। मेलानिन क्या होता है, मेलानिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, हार्मोन्स का भी कार्य करता है और वर्णक का भी कार्य करता है। तो मेलानिन एक प्रकार का वर्णक है जिससे हमारी त्वचा का रंग डिसाइड होता है, यानी आदमी गोरा है कि काला है। ऐसे जंतुओं भी होगा, जंतुओं के जो डिफरेंट प्रकार के रंगीले जंतु होते हैं, पक्षी देखिए, अन्य प्रकार के जंतु हैं जैसे आपका मेंढक है, सांप है, ब्लैक स्नेक होते हैं और येलो वाले भी स्नेक होते हैं। तो एनिमल्स की स्किन को किससे करते हैं, मेलानिन। मेलानिन के कारण विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान होते हैं त्वचा में। तो ये था एपिडर्मिस के पार्ट्स। अब है डर्मिस, डर्मिस यानी इसके नीचे, यानी हमारी जो इस बाहर स्किन है इसके नीचे एक और परत होती है, देखिए जब कट जाती है तो वो परत दिखाई पड़ेगी इसमें, तो वो है चर्म यानी डर्मिस स्तर। ये क्या होती है, मीजोडर्म से बनती है। भ्रूण अवस्था में जब भ्रूण का विकास होता है, जब बच्चे का निर्माण होता है, तो उस समय तीन प्रकार की स्तर यानी तीन प्रकार के लेयर बनते हैं। एक्टोडर्म, ये देखिए एपिडर्मिस एक्टोडर्म से बना है, बाई एक्टोडर्म एपिडर्मिस, और ये मीजोडर्म से बना है। डर्मिस किससे बना है, मीजोडर्म से, बाई मीजोडर्म। तो ये मीजोडर्म से ये परत बनती है और इसमें क्या है, तंतुमय संयोजी ऊतक, तंतुमय संयोजी ऊतक होते हैं फिलामेंटस, कनेक्टिव टिश्यू कैसे होंगे, श्वेत कोलेजन, पीले इलास्टिन और रक्तवाहिनियां होंगी इसमें, तंत्रिका कोशिकाएं होंगी, श्वेत ग्रंथियां होती हैं, रोम होते हैं, रोम जो आपके रोए होते हैं, रोम इसके ये रोम कहाँ होते हैं, डर्मिस से जुड़े होते हैं। कभी कभी देखिए इस रोए को निकालिए तो ये दर्द करता है, तो रोम होते हैं और आरेखित पेशियां होती हैं, एडिपोस भी होता है, एडिपोस ऊतक जो आपने यहाँ पर पढ़ा था, एडिपोस ये आपने यहाँ पर सबसे शुरू में किया था, एडिपोस टिश्यू भी होता है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है, यानी आंतरिक अंग जैसे हमारी इस स्किन को हटा दिया जाए तो अंदर के जो अंग होंगे जैसे लीवर किडनी हार्ट उनकी सुरक्षा करती है डर्मिस। जो अंदर मांस है वो मांस की सुरक्षा करती है, अगर ये स्किन निकाल दिया जाए तो बहुत ईजिली से आराम से इन्फेक्शन हो जाएगा और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से होने के बाद स्किन सड़ने लगेगी, खराब हो जाएगी। कोई जीव जंतु मर जाता है तो बहुत जल्दी से वो सड़ने लगता है, बदबू करने लगता है। तो ये क्या है, इसमें आंतरिक अंगों की रक्षा, ये आंतरिक अंगों की रक्षा तथा बाह्य अंगों यानी बाह्य आघातों से बचाती है। बाहर से जो कोई जर या कोई झटका आता है उनसे हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है, बाह्य आघातों से बचाती है। तो बच्चों ये तो था स्किन और स्किन के पार्ट्स, स्किन के कितने भाग हैं उनके बारे में मैंने बताया। अब है स्किन के यानी त्वचा के कार्य, स्किन के कार्य क्या हैं। सबसे पहला कार्य तो होता है कि हमारे पूरे देह भित्ति यानी पूरे अंदर के अंगों की सुरक्षा करना, उसको आवरण यानी ढक रखना, उसको कवर्ड करके रखना। तो प्रोटेक्शन, ये देखिए फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, फंक्शन इसके प्रोटेक्शन इन एंड आउट, प्रोटेक्शन मतलब बाह्य अंगों की और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना, यानी बाह्य आपकी जो लेयर है इसको और अंदर की जो अंग हैं उनकी सुरक्षा करना। अल्ट्रा यूवी प्रोटेक्शन, यूवी प्रोटेक्शन मतलब पराबैंगनी किरणों से बचाना, सूर्य से जो किरणें निकलती हैं। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का भी ये कार्य करेगी त्वचा, त्वचा हमारा एक्सक्रेटरी पदार्थ यानी उत्सर्जी अंग भी है, एक उत्सर्जी अंग का भी कार्य करती है त्वचा, जैसे इसमें से क्या पसीना निकलेगा, पसीना क्या है उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो इसमें से पसीना निकलता है और तेल निकलता है, तेली पदार्थ निकलता है। और सेंसरी का कार्य करेगी यानी संवेदनाओं का कार्य करती है हमारी स्किन, संवेदना मतलब जैसे किसी ने चुटकी काटा या किसी ने कोई उद्दीपन आपके बॉडी पर हुआ, ठीक है, या कोई जर्क लगा तो आपको तुरंत मालूम हो जाता है कि आपके बॉडी में क्या हो रहा है। तो स्किन यानी इस त्वचा में संवेदी कोशिकाएं और चालक कोशिकाएं मिलती हैं जो सूचनाओं को मस्तिष्क तक ले जाती हैं। फिर टेम्परेचर, त्वचा है थर्मो रेगुलेटर का भी कार्य करती है,
और जो इसमें एडिपोज टिश्यू होता है वो क्या करता है, हमारी स्किन के द्वारा हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करती है, त्वचा क्या करती है, थर्मोरेगुलेटर यानी टेम्परेचर को मेंटेन करती है कि टेम्परेचर हमारा बढ़ने न पाए। अगला है विटामिन डी, यहाँ पर लिखा है विटामिन डी। विटामिन डी कहाँ पर होता है बच्चों, सूर्य के प्रकाश में। तो जब हम सूर्य का प्रकाश लेते हैं, मोस्टली सुबह सुबह का लेना है होता है, तो उसमें क्या होता है विटामिन डी का संश्लेषण होता है। तो विटामिन डी हमारी स्किन में संश्लेषित होती है इसके द्वारा। अगला है सेब, सेब मतलब हमारी शरीर की आकृति, आकृति को बनाती है कि हमारा शरीर कैसा होगा, किस शेप का होगा, वो शेप पर निर्धार करती है। फिर वाटर रेजिस्टेंस, और त्वचा क्या होती है, वाटर रेजिस्टेंट यानी वाटर प्रूफ होती है, इस पर पानी पड़ जाता है तो पानी वो अंदर नहीं जाता है और वो नीचे चला जाता है, सूख जाता है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि स्किन और उसके कार्य, उसके टाइप्स प्रकार, और क्या है इसके बाद स्किन यानी त्वचा के एक व्युत्पन्न रूप होते हैं। व्युत्पन्न रूप का मतलब होता है त्वचा और कहाँ कहाँ कार्य करती है, जैसे मैंने आपको बताया त्वक ग्रंथियाँ यानी क्यूटेनियस ग्लैंड के रूप में, सीबेसियस ग्लैंड के रूप में यानी आपकी जो होती हैं जिससे पसीना का निकलता तैली पदार्थ, सीबेसियस ग्लैंड, और है स्वेद ग्रंथियाँ, स्वेद ग्रंथियों से क्या होती है पसीना निकलता है, स्तन ग्रंथियाँ, स्तन ग्रंथियों से दुग्ध निकलता है, और आपकी मोमबियन ग्रंथियाँ होती हैं, मोमबियन ग्रंथियों से एक प्रकार से तैलीय पदार्थ उससे भी निकलता है, जैसे पक्षियों के पर वाटर प्रूफ हो जाते हैं उससे। और एक है आपके सेरुमेंस जो होती है, जैसे कान, हमारे कान में जो गंदगी निकलती है वो सेरुमेंस उस कहलाते हैं, उसको बोलते हैं सेरुमेंस। तो ये जो हैं ग्रंथियाँ हैं इनको बोलते हैं, ये सहायक ग्रंथियाँ होती है त्वचा में, जिससे अन्य उत्सर्जी पदार्थ या पसीना या तेल या आपके कान की जो गंदगी होती है वो निकलती है सेरोमियन ग्लैंड से, तो इसको हम सीबम कहते हैं। सीबम जो होता है पसीना होता है, और जो कान में निकलता है वो सेरोमियन होता है। तो ये सब कार्य त्वचा की ग्रंथियों के द्वारा होता है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज आपने अध्यावरणीय तंत्र